हम अनेक जन्मों में भटकते हैं। भटकने का कारण क्या होता है? लाइव चल रहा है। ऊपर वाला हमें जिंदगी देता है, जिंदगियों को हम भटकते हैं। ये कर्मों के हिसाब से ही लगते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि आपके अड़ोसी ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। स्वयं भगवान दंड नहीं देते, इसलिए इन सभी का निर्माण किया गया है। तो आप सभी को इतना ध्यान में रखना चाहिए, जो हमें जिंदगी मिली है, मानव शरीर मिली है, उस मानव शरीर को व्यर्थ ना जाने दें। और व्यर्थ जाने देते हैं इसीलिए हम अनेक जन्मों तक भटकते हैं। आप समझ गए? व्यर्थ जाने देते हैं इसीलिए अनेक जन्मों तक भटकते हैं, और यही कारण होता है और कुत्ते और बिल्लियों की जैसे मर जाते हैं, और यहां तक कीड़े तक पड़ जाते हैं। ये हमारे कर्मों का लेन देन है, समझ गए? वो हल्का कर सकते हैं और तुम्हें मुक्ति के मार्ग पे ले जा सके, उस गुरु के लिए एक बार हम निवेदन करेंगे। क्योंकि मेरे अनेक जन्मों में मेरे अनेक गुरु रह चुके हैं, मेरे सारे जन्मों के बारे में मैंने वाकया किया है और देखा भी है कि उसके अंदर महाकाली भी थी, शमशान काली भी थी, मातंगी थी, महादेव थे, माता थी। एक बार ऐसा हो गया मेरे जीवन काल में, एक महान अघोरी था मेरे ऊपर वार कर रहा था, 500 लाख रूपये ले लो इसे मार दो। सामने वाला देखने लगा ये है कौन, फोटो देखने लगा। फोटो देखने के बाद ये बहुत बड़ी प्रसंग है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, मेरे लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मेरी दृष्टि उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जो मेरे ऊपर कार्रवाई करता है। वो देखने लगा कि बोले फोटो में एक गलत शब्द का प्रयोग किया, ऐसा क्या है ये, अपने शरीर का मांस काट के देता है क्या ये? शक्तियां खुश रहती है। इतने में काल भैरव क्रोध में आ गए, बोले औकात मेरा दो, तो यही जानना चाहता था इसका गुरु कौन है। तो हम सब देवियां हैं, देवताएं, हम सभी इसके गुरु हैं। और इससे जितने लोग आज तक उलझे हुए हैं उनका हश्र देख लेना, उसके बाद पीछे पड़ना। तुम डर गया हो क्योंकि काल भैरव किसी की सुनते नहीं। फिर भी काल भैरव ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं, जो समझ में आता है कर दे, बाकी हम संभाल लेंगे। वो व्यक्ति देखा सामने वाले का, बोला भैया 50 लाख रुपए तुम तेरा लेके जाओ, उसे हाथ मिला लो, उसे हाथ मिला लो, हमारे बस की बात नहीं है, उठा लो। हमारे बस की बात नहीं है कि मैं उसे वार कर सकता। दुनिया में कोई भी तांत्रिक मांत्रिक कोई वार नहीं करता। आज सोशल साइट पे अनेक लोग हैं, कोई बोलता है तुम्हारे मंदिर को बनने नहीं देंगे, नव दुर्गा शक्तिपीठ को नहीं बनने देंगे, उनके बाप का राज है। मैं जैसे मैं वीडियो में हूं, सामने हूं, जिस लाइन से आना हो मैं लड़ूंगा। मैं किसी का बाप का गुलाम नहीं हूं, अगर किसी का हूं तो महादेव माता रानी नारायण का गुलाम होगा। इनको ये नहीं मालूम है, जहां पैर रख दिया तो बेटा तेरा बाप ही नहीं उठा सकता, और उठाने वाले भी चल बसे। तो यही है। तो ये सब मेरे अनेक जन्मों के गुरुओं का लेन देन है, और गुरुओं के लिए हम एक निवेदन करेंगे जो मुझे इस योग्य बनाया है। सब बोलो गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा, गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनयेन चराचरं, व्याप्तनयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन काल में मैंने जितने जन्म लिए, जितनी बार मैं अटक अटक के जिया हूँ, सबके विषय में मैं एक बनारस जा रहा था तो मैंने गाना लिखा था, आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा, कौन सा गाना मैंने लिखा, और माता भी गाऊंगा तो सब आ जाएंगे। एक बार होता है माता के नाम पे, जिस दिल में तेरा नाम नहीं मां, जिस दिल में तेरा नाम नहीं मां, वो दिल कोई खास नहीं मां। ऐसा तू कर दे तू याद आए, ऐसा तू कर दे
तू याद आए हर घड़ी हर पल तन में समाए, हर घड़ी हर पल तन में समाए। अब एक समय ऐसा था मैं जप करता था, माता बात करती थी दिखती नहीं थी, मैं रोता था, तो उस समय का मैंने वाक्या लिखा मैंने, दिल में समाई मैया सांसों में चलती, फिर भी क्यों मैया हमें नहीं दिखती, फिर भी क्यों मैया हमें नहीं दिखती, दिल है तुम्हारा मैया हम भी तुम्हारे, इस जग में हम तेरे सहारे, जिस दिल में तेरा नाम नहीं मां, ओ दिल कोई खास नहीं मां, कि मेरे कर्म के बोझ इतने बड़े हैं, माता बात तो करती है दिखती नहीं है, मतलब पापी हूं मैं। तो मैंने एक लाइन जब मतलब इसका निर्माण किया तो माता अभी सुन रही, रो रही है अभी, लिखा जन्म जन्म तक हम हैं भटके, हर एक युग में हम ही अटके, जन्म जन्म तक हम हैं भटके, पापी तो है मैया हमने ये जाना, इस युग में माँ तुझे पहचाना। कैसा लग रहा है लंबे मैया के मेरे भगवान के। अब लास्ट लाइन है, दुर्गा तो महाकाली तो विंध्यवासिनी शारदा भवानी, जग की तू जननी जगदम्बा है माता, जन्म जन्म के तुझसे है नाता। यही है, ये भाव है, ये माता के लिए भाव है, प्यार है। मैं जहां भी चलता हूँ माता साथ में चलती है और सदा सर्वदा मेरे माध्यम से, मतलब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, करने वाला वो है ना करने वाला वो है ना। चलिए अब करते हैं काम, लेके माता का नाम, चलिए आइए बम बम, आइए भैया बम बम।